बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अज़र इकबाल चद्दड़ है। मैं नई नई रियल एस्टेट और प्रॉपर्टीज़ के हवाले से आप तक अपडेट पहुंचाता रहता हूं। अगर आप रियल एस्टेट और प्रॉपर्टीज़ में दिलचस्पी रखते हैं तो मेरे इस वीडियो के साथ रहें। ये तो नाज़रीन, आज मैं आपकी खिदमत में एक 2.5 मरला घर की वीडियो लेके हाज़िर हुआ हूँ, जो कि अंदरून शहर में वाक़ है। गैस बिजली यहाँ पर मौजूद है, फ्रंट एलिवेशन आप देख सकते हैं। बहुत खूबसूरत घर है और बहुत कम डिमांड की जा रही है। आपसे ये गुजारिश की जाती है कि मेरी वीडियो को ना मुकम्मल देखा करें, एंड तक देखा करें। मैं वीडियो के हवाले से जो भी मालूमात होती है वो वीडियो में बता देता हूँ। कई दोस्त अक्सर 1-2 मिनट की वीडियो वाच करके सवाल जवाब करना शुरू कर देते हैं, हालांकि वो वीडियो के हवाले से वही बात मैंने वीडियो में बताई होती है। अगर वीडियो में कोई बात मुझसे मिस हो जाती है तो फिर बेशक आपका हक बनता है कि आप कॉल करें, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें, इसकी मज़ीद डिटेल भी ले सकते हैं। मिसाल के तौर पर लोकेशन और डिमांड ज़रूरी होती हैं, और बेडरूम कितने हैं ये मैंने सारी मालूमात वीडियो में बताई होती है। लेकिन काफ़ी सारे दोस्त वीडियो मुकम्मल देखते नहीं और फौरन ही रब्ता कर लेते हैं, ये इसकी डिमांड क्या है, इसकी लोकेशन क्या है, कौन सा एरिया है। हालांकि वो सारी बातें मैं वीडियो में बताता हूँ। फ्रंट एलिवेशन आप देख सकते हैं, अंदरून शहर में ये वाक़ है। गैस बिजली यहाँ पर मौजूद है, ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये आपके सामने है, गैस का मीटर इंस्टॉल है, बिल्कुल लोकेशन इसकी बहुत प्यारी है। 2.5 मरले टोटल जगह है, 1545 का साइज़ है, 270 स्क्वेयर फुट वाला मरला है। रजिस्ट्री इंतकाल वाली प्रॉपर्टी है, नीचे मार्बल वगैरह लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। बड़ी गाड़ी का आपको गैराज मिल जाएगा। पहले ये रेंट आउट किया हुआ था मालिक को, ने 20,000 रुपये इसका रेंट भी आ रहा था, तो किराएदारों ने इसका थोड़ा सा बेड़ा गर्क किया हुआ है। माजरत के साथ इसकी ज़रा सफाई वगैरह होने वाली है। सीढ़ियों के नीचे ये आपको एक बाथरूम मिल जाएगा, बाथरूम में भी टाइल वर्क का काम किया गया है। मकान तकरीबन ये 3-4 साल पहले बनाया गया था, अच्छी हालत में है, बस सिर्फ इसकी रंग पेंट का कुछ काम होने वाला और सफाइयाँ वगैरह होने वाली है। दूसरी साइड से भी मैं आपको गैराज दिखा चुका हूँ। सामने ये आपको दरवाजे वगैरह मिल जाएंगे, एक बड़े साइज में टीवी लॉन मिल जाएगा, मैं आपको दिखाता हूँ। टीवी लॉन आप देख सकते हैं, नीचे मार्बल वगैरह लगाया गया है। इसमें ही ओपन किचन दिया गया है, किचन के कैबिनेट वगैरह कंप्लीट है। ये मैं आपको दिखाता हूँ ज़रा करीब करके। कैद आज़म ब्लॉक है, मुस्लिम टाउन नंबर 1 फैसलाबाद में यहाँ पे मौजूद है मकान। इसकी लोकेशन दोबारा बता देता हूँ, मुस्लिम टाउन नंबर 1 का एक ब्लॉक है, कैद आज़म ब्लॉक। वहाँ पर पहले भी मैंने 1-3 मरला मकान की वीडियो बनाई थी, वो सेल हो चुका है, उसमें यह मकान मौजूद है। टोटल 2.5 मरले का ये मकान है, डबल स्टोरी घर है। बैक साइड पे आप एक बेडरूम देख सकते हैं, इसमें भी नीचे मार्बल वगैरह लगा हुआ है। इसके साथ एक आपको सूटिंग अलमारी भी मिल जाएगी, बेडरूम के साथ ही वेंटिलेशन भी दी गई है। ऊपर सीलिंग डिजाइनिंग भी देख सकते हैं। ये बाथरूम और अलमारी का लंटर डाउन करके इसके ऊपर एक गैलरी वगैरह भी बनाई गई है। इसका भी फ़ायदा होता है, कोई पेटी वगैरह को इस तरह का सामान होता है जो स्टोर टाइप। ये बाथरूम में लाइट नहीं थी, माजरत से इतना मैं आपको दिखा नहीं सका। ऊपर गैलरी भी बनाई गई है, ये आप वेंटिलेशन भी देख सकते हैं। ये बाथरूम और बेडरूम को वेंटिलेशन आ रही है ऊपर से। डिमांड की बात करें तो इसकी डिमांड 60 लाख रुपए की गई है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत मुनासिब डिमांड है। यहाँ पर जगह के रेट की बात करें तो 15 लाख रुपये फी मरला के हिसाब से प्लाट सेल हो रहा है। ऊपर सीढ़ियों पे ऊपर जा रहे हैं, सीढ़ियों पे भी मार्बल वगैरह, स्टील की ग्रिल वगैरह लगाई गई है। ऊपर वाले फ्लोर की बात करें तो आपको एक टीवी लॉन मिल जाएगा, टीवी लॉन में ही किचन वगैरह भी मिल जाएगा। टीवी लॉन में ये नीचे मार्बल वगैरह लगाया गया है, इसके ऊपर भी लंटर वगैरह डाला गया। ऊपर सीलिंग डिजाइनिंग भी आपको ये देख सकते हैं, बेहतरीन। सिर्फ इसका तो दोबारा रंग पेंट का काम होने वाला है। काफ़ी सारे दोस्त ये छोटा मकान की डिमांड कर रहे थे, तो 60-65 लाख रुपए, 50 लाख रुपए की काफ़ी सारी डिमांड थी, तो उनके लिए बहुत मुनासिब रहेगा। रेंटल वैल्यू की बात करें तो इसका 20,000 रुपए रेंट भी आ रहा है। फ्रंट पे एक है, असल में लोकेशन और एरिया वाइज रेट होते हैं मकान, तो ये 2.5 मरले का आप सोच रहे होंगे कि इसकी इतनी डिमांड क्यों की जा रही है। लेकिन ये अंदरूनी शहर में मकान मौजूद है, बिजली गैस मौजूद है। अगर इसका कचहरी बाज़ार का फासला मालूम किया जाए तो वो तकरीबन 4 से 4.5 किलोमीटर का फासला बन रहा है। एलाइड हॉस्पिटल फैसलाबाद इसके करीब है, मुस्लिम टाउन नंबर 1 इसके करीब है।
नूरपुर जो पिंड है वो इसके बिल्कुल करीब बनता है। ये मैं दोबारा टेरेस में आ चुका हूँ, गली का व्यू आप कर सकते हैं दोबारा, बिल्कुल रिहायशी इलाका है, अंदरूनी शहर में ये मकान मौजूद है। दोबारा ये मैं आपको टीवी लॉन दिखा देता हूँ, टीवी लॉन में मार्बल वगैरह लगाया गया। बैक साइड पे ये एक कमरा होना चाहिए था, लेकिन ये कमरा नहीं बनाया गया, यहाँ पे ये सारा सहन ही दे दिया गया। इसमें भी मार्बल वगैरह लगा हुआ है, ऊपर मैं छत भी आपको दिखाता हूँ। मेरे चैनल पर और भी काफ़ी सारी वीडियो अपलोड हैं मकानात के हवाले से, छोटे बड़े मकानात, हर तरह की प्रॉपर्टीज़ के बारे में मैं वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। छत पे पर्दे वगैरह आपको मिल जाएंगे, ऊपर आप प्लास्टिक बॉडी में टैंकी भी मिल जाएगी पानी वाली, सामने ये पर्दे वगैरह और स्टील की ग्रिल लगाएगी। गली का व्यू मैं फिर दोबारा करवा देता हूँ, सारे मकान मौजूद हैं यहाँ पे। जगह के रेट की बात करें तो 15 लाख रुपये फी मरला के हिसाब से जगह बिकती है। इसी तरह हमारी वीडियो देखते रहें। अल्लाह हाफिज़।